हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हब में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे जौ का पुलाव, इसे इंग्लिश में बार्ले भी कहते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। जब हम डाइटिशियन के पास जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो मोस्टली ये वेट लॉस के लिए वो लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा फीका होता है, लेकिन आज मैं मसालेदार बना के दिखाऊंगी आपको कि इसका पुलाव हम मसालेदार बना के खा सकते हैं। और इस पे चाहिए रहेगा तो आप तेल थोड़ा कम कर सकते हैं, और तेल या घी बटर में बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी पुलाव बनेगा। इसमें वेजिटेबल्स मैंने बहुत सारे डाले हैं, आपको जो पसंद हो वो डालिए, जो ना पसंद हो आप स्किप कर दीजिए। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही हेल्दी डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जौ का पुलाव। फ्रेंड्स, एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जौ की पुलाव की रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी टेस्टी रेसिपी। जौ का पुलाव बनाने के लिए 1 कप मैंने जौ लिया है, इसे इंग्लिश में बार्ले भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही इजी मिल जाता है, किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाता है। 2 टेबलस्पून मैंने तेल लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया हुआ है, 4-5 लहसुन की कलियां मैंने कट करके ली हुई हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। 4-5 हरी मिर्च है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। अगर आप तीखा नहीं खाते तो इसे आप स्किप कर दीजिए। 1 मीडियम साइज का गाजर है, इसे मैंने कट करके ले लिया है। 1/4 कप मैंने फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिया है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने हरी मटर ली है, फ्रेश मटर मैंने ली है, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने बीन्स कट करके लिया हुआ है। 1/4 कप मैंने शिमला मिर्च कट करके लिया हुआ है। 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है कट करके, अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसे टोटली स्किप कर दीजिए। 1 मीडियम साइज का टमाटर मैंने लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है। 7-8 कड़ी पत्ता मैंने लिया हुआ है, और 1/4 कप मैंने हरी धनिया ली हुई है। सब्जियां आप अपने हिसाब से डालिए, जो आप खाते हैं वो डालिए, जो ना खाते हो आप उसे निकाल दीजिए। आप इसमें फूल गोभी या कुछ भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, जो आपका जैसा आपका टेस्ट हो। 2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने लिया है, और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली हुई है। तो पहले हम जौ को अच्छे से 4-5 पानी धो के और फिर इसे कुकर में हम सीटी बजाएंगे। तो पहले हम इसे धो लेते हैं 4-5 पानी से। ये मैंने 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया है जौ को। अब हम इसमें 2.5 कप पानी डाल देंगे। हम 2 सीटी बजा लेंगे कुकर बंद करके, जब प्रेशर निकल जाएगा फिर हम पुलाव बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कुकर में 2 सीटी बज गई है, जब तक उसका प्रेशर कम होता तब तक हम ये तड़का दे देते हैं कि जौ का पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। और आपको पता है जौ बहुत हेल्दी है, तो बहुत ही हेल्दी पुलाव बनेगा ये। हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया, चेक करने के लिए हम 1-2 जीरा डालते हैं। देखिए तेल गरम हो गया, अब हम इसमें पहले जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा को हमने भून लिया, अब हम उसमें लहसुन डालेंगे। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए लहसुन को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, फिर हम उसमें ये अदरक डालेंगे। अदरक का भी हम कच्चापन थोड़ा निकालेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। जौ के पुलाव में कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें पहले प्याज डालेंगे। आप प्याज भी नहीं खाते तो ये भी स्किप कर सकते हैं।
अब हम हल्का सा प्याज को भून लेंगे। आपको पता ही है कि अगर वेट लॉस करना है तब भी डाइटिशियन वगैरह जौ की खिचड़ी या जौ का पुलाव, जौ का सूप के लिए बोलते हैं कि बहुत ही हेल्दी डिश है। आप इसे कभी भी नाश्ते में या लंच में बना सकते हैं। पुलाव बहुत ईजी है। जैसे हमने अच्छे से उसे धो के दो सीटी बजा ली, प्रेशर जब तक ख़त्म हो रहा है तब तक हम ये तड़का दे लेते हैं। और वेजिटेबल तो सब आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है वो डालिए, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है, जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दीजिए, या घर में जो सब्जियां हैं फ्रिज में पड़ी हैं वो आप डाल के ये पुलाव बना सकते हैं। ये हल्का ब्राउन होने तक हम प्याज को भून लेंगे। ये देखिए प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंक कलर हो गया है तो बस इतना ही भूनना है। अब जो सब्जियों को ज़्यादा समय लगता है पहले हम वो डालेंगे, जैसे बीन्स को ज़्यादा समय लगता है पकने में, तो पहले हम बीन्स, मटर और गाजर डाल देंगे, क्योंकि ये तीनों सब्जियों को पकने में टाइम लगता है। तो हम इसे अच्छे से स्लो आँच पे चला के और इसे ढक देंगे, 1 से 2 मिनट पका लेंगे, फिर बाद में हम स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च और ये सब डालेंगे। अब मैं हरी मिर्च डालूँ, मैं हरी मिर्च लास्ट में यानी कि मैं तेल में नहीं डालती हूँ क्योंकि थोड़ा कड़वापन आ जाता है। मुझे थोड़ी कच्ची हरी मिर्च पसंद है इसलिए मैं ये सब्जियों के साथ डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और अब मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट पका लूँगी ताकि मटर, गाजर और बीन्स अच्छे से पक जाए, उसके बाद मैं शिमला मिर्च और बाकी सब्जियाँ डालूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, सब अच्छे से मटर, गाजर और बीन्स पक गई हैं। अब हम बाकी चीज़ें डालते हैं। अब हम शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को ज़्यादा समय नहीं लगता है, स्वीट कॉर्न भी फ्रोज़न वाला है तो स्वीट कॉर्न, और टमाटर हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट पकाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें 1 मिनट में अच्छे से पक जाएंगी। ये तीनों को हम पकाएंगे 1 मिनट ही पकाएंगे क्योंकि 1 मिनट में ये तीनों चीज़ें पक जाती हैं और ये हल्की सी कच्ची भी रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी लगती हैं। तो टमाटर भी एकदम हमें मैश नहीं करना है और शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न हल्का सा कच्चा रहेगा तो फिर भी अच्छा लगता है खाने में। तो 1 मिनट हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी। देखिए सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब हम मसाले डाल देते हैं। हल्दी डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर आ जाता है, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक और गरम मसाला, और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, थोड़ी धनिया हम गार्निश के लिए रखेंगे। और अब हम इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट मसाले भून लेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं डाले कि मसाले कहीं जल ना जाए, इसलिए अभी हम डाल के अब 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो मसाले सारे भून जाएंगे अच्छे से। मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। अभी देखिए कुकर भी ठंडा हो गया। अब हम ये इसमें ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के और चलाते जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये टेस्टी पुलाव बनता है। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा जो हमने सीटी बजाया है डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम सारा इसमें डाल के अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो ऑलरेडी पक चुका है, क्योंकि हमने कुकर में 2 सीटी बजाई है, हम कुकर में डाल के
बॉईल किए हैं उसे, तो अच्छे से जौ पक गया है, तो हमें जौ को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ी सी और धनिया डाल के मिक्स कर देंगे और थोड़ी धनिया गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए एकदम हेल्दी और मसालेदार जौ का पुलाव तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। जौ के पुलाव को हमने सर्व कर लिया। अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जौ का पुलाव बन गया है। एकदम मसालेदार जौ का पुलाव बना है। बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसे खा सकते हैं दोनों टाइम। और आपने देखा इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी है। जौ खुद ही बहुत हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको जौ का पुलाव अच्छा लगा हो, इसकी रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।